मैसूर से एक और खबर आ रही है विनोद, आपकी टिप्पणी चाहूंगा। प्रताप सिम्हा का टिकट काट दिया गया है। बहुत अच्छा किया है, क्योंकि प्रताप सिम्हा उतने ही चार चांद लगा रहे थे जितने की प्रज्ञा ठाकुर लगा रही थी, या जो पहलवानों के नेता थे जो बिना पहलवान हुए खुद वो लगा रहे थे। तो अभी उनके नाम का हमें मालूम नहीं, नहीं है। पता नहीं है, लेकिन हाँ। उनके नाम पे अजय मिश्रा टेणी को तो दे दिया गया टिकट, प्रश्न चिन्ह है उनके नाम पर। लेकिन कितनी मजबूती उत्तर प्रदेश में भाई जी, परवेश वर्मा का टिकट काटना, रमेश भिदूड़ी का, देखिए ब्रिजभूषण चरण सिंह का टिकट काटने में सही से लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे अपवाद नहीं चाहती है, क्योंकि ब्रिजभूषण चरण इनके मुकाबले में ज़्यादा वेटी लीडर हैं उत्तर प्रदेश के। तो मैं इंतज़ार करूंगा ब्रिजभूषण शरण तक, लेकिन ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज के दिन देने को बहुत कुछ है और लड़वाने को बहुत कुछ है, और अनुपात में विपक्ष जो है कम से कम उत्तर प्रदेश में लाइट वेट नज़र आता है और दिक्कत वाली बात नज़र आती है। लेकिन चर्चा आप पंजाब से शुरू कर रहे थे, पंजाब पर आते हैं ना। हाँ, तो पंजाब पे देखिए बात यह है कि यू नो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और अकाली दल एंड बीजेपी, उनकी वो हालत है दैट व्हेन यू आर टुगेदर यू वांट टू रन अवे फ्रॉम ईच अदर एंड व्हेन यू आर सेपरेटेड अपार्ट यू वांट टू जॉइन अप। रीजन ये है कि पंजाब की जमीन पर अकाली दल और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे से मुतमईन नहीं है, वो अलायंस नहीं चाहते हैं, लीडरशिप चाहती है। उसी तरह से पंजाब में जो ज़मीन पे वर्कर है वो वहाँ के लोकल नेतृत्व जो है वो अलायंस नहीं चाहता है। मैं इसमें भगवंत मान और एनडीए दोनों की कहानी एक जैसी है, लेकिन आपने सही बताया कि अगर इकट्ठे हो जाएंगे दोनों, अगर इनका वोट परसेंटेज मिल जाएंगे तो 57 हो जाता है, लेकिन उस दौरान क्या होगा कि इनको सीटें बांटनी पड़ेंगी। हाँ। और बटने के बाद बहुत से पलायन कम से कम कांग्रेस से होने की संभावना है। योगेंद्र चंदोलिया को टिकट दिया गया है दिल्ली में, हंसराज हंस की टिकट काट दी गई है। प्रियंका, इससे तो बहुत क्लियर है ना कि अकाउंटेबिलिटी टू पीपल है ही नहीं। भाजपा बार बार नए चेहरे ले आती है, क्योंकि उनके पुराने चेहरे अगर काम किए होते तो जनता के बीच में जाके दोबारा वोट मांगते, नहीं किए काम, इसलिए वो इनकी ये टैक्टिक रहती है कि हमेशा ये नए चेहरे ले आते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, मैं विनोद जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, हमारे वॉलंटियर्स पंजाब में ना आम आदमी पार्टी के ना कांग्रेस के, वो नहीं चाहते थे कि अलायंस हो, और हमने उनकी विशेष को रिस्पेक्ट किया है। तो वो केमिस्ट्री बन पाएगी? बिल्कुल बनेगी। देखिए एक केमिस्ट्री मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, भाजपा की जीरो, इसमें कोई डाउट नहीं है, भाजपा की जीरो, भाजपा हमारे आकलन का भी इंतजार कर, नहीं नहीं इसका भी नहीं। अभय इशारा कर रहे थे कि क्या गठबंधन हो सकता है, 30-27 तो 57 तो सुपड़ा साफ। देखिए हमने सिर्फ अरिथमेटिक की बात, ऑलरेडी वी हैव टेकन अ जॉइंट कॉल, कांग्रेस भी यही चाहती थी, आम आदमी पार्टी भी यही चाहती थी, हमारे वर्कर्स मतलब यही चाहते थे, किसी भी कीमत पर फायदा ना हो पाए बीजेपी या हमने अपने कार्यकर्ताओं की विशेष को ऑनर किया है। ठीक है, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।